आपको किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाना हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो आप किस चीज़ का बनाना चाहेंगे? अगर मैं कोई चीज़ का, तो आई वुड से कि डेफिनेटली मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स, टू बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ मूवीज. और आपको एक बात बता दूँ, मेरे डैड जो है उन्होंने 700 प्लस फिल्में की हैं, तो उनको एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए. तो यहाँ पे वो जो है ऑफिशियल रेप, आई थिंक मुझे इनसे बात करनी चाहिए, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि मेरे डैड ने 700 प्लस फिल्में की है, तो उनका भी सर्टिफिकेट डेफिनेटली बनता है. आई थिंक कि अगर आप कोई भी रिकॉर्ड कर देते हो तो वही एक अतरंगी चीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो मेरे डैड ने 700 प्लस फिल्में की हैं, वो काफ़ी अतरंगी चीज़ है, एंड डेफिनेटली उनको सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए. आप मतलब कोई इरादा है सलमान को मिलने का या कोई फिल्म डिस्कस करने का? डेफिनेटली इरादा है, और मेरे डैड ने उनके साथ इतनी सारी फिल्में की है, और मैं भी शूट पे जाती थी तो उनसे मिलती थी. आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मेरे डैड ने भी सलमान खान के साथ काम किया है और मैं भी कर लूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. प्योर स्किन फादर डॉटर बोथ हैव वर्क्ड विद हिम, सो इट विल बी कूल. वेरी लेस डिमांडिंग रूटीन है. मैं उठती हूँ, पानी पीती हूँ खूब सारा, टॉयलेट जाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, फेस को पोछती हूँ, और अगर विंटर है तो मॉइस्चराइज करती हूँ एक्स्ट्रा, और बॉम्बे है तो ह्यूमिडिटी है तो फिर मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो और कोशिश करती हूँ कि बहुत सारा ग्रीन टी पीऊँ. So the year has come to an end, like any resolution for 2015 and how was your 2014? Resolutions are meant to be broken completely. But कोई कोई resolutions है जो मैं I think incorporate कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. काफ़ी सारे हैं एक्चुअली. एक होगा अपने खाने के इम्पल्स को कंट्रोल करना. अगर आप अभी मेरे सामने एक जलेबी ला दोगे, गुलाब जामुन ला दोगे, मैं ऐसे करके उसको ऐसे करके पकड़ के खा जाऊंगी, मतलब ऐसे कि कोई पोजेस्ड हो गई हूँ, कोई आत्मा आ गई है मुझ में, तो वो जो इम्पल्स है खाने का इम्पल्स, वो अगर थोड़ा कंट्रोल में रहे, काबू में रहे तो अच्छा होगा. क्योंकि ज़्यादा डिज़र्ट, ज़्यादा मीठा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता. और क्या, मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहूँगी. आपको मेरा कमरा नहीं देखना चाहिए. पर उन्हें भी कहा था कि काफ़ी इतना नाचे हैं कि जितना शायद ज़िंदगी में नाचे नहीं होंगे. रेमो ने इतना नचाया है इस फिल्म के लिए. बिल्कुल. और अभी तो 47% ही हमने कंप्लीट किया है फिल्म का. जल्द ही वेगस जाएंगे लास वेगस शूट के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत डांस करेंगे हम. मैंने तो लाइफ में इतना डांस किया ही नहीं है कभी, तो पहली बार डांस कर रही हूँ. पहली फिल्म से वेट करी जा रही हूँ कि कब मुझे एक डांस फिल्म एक फिल्म में भी डांस करने का मौका मिलेगा. अब तो एक पूरा डांस फिल्म मुझे मिल गया है. तो आई गेस दैट पेशेंस पेज यू बैक. तो डेफिनेटली बहुत सारा डांसिंग है, एंड होपफुली पीपल विल लाइक टू सी मी डांस. मुझे तो बहुत मज़ा आया. कश्मीर फ्लड्स के पहले आपने वहाँ पे फिल्म की शूटिंग की थी, अभी फितूर की शूटिंग भी वहाँ पे शुरू हुई है. क्या आपकी बात हुई आपके पोस्टर आदित्य से कि अब वहाँ का माहौल कैसा है, हाउ इज़ द शूटिंग गोइंग ऑन एंड ऑन? वो आपको उनसे पूछना चाहिए कि हाउ इज ही फाइंडिंग द शूट ओवर देयर. बट जितना मैंने देखा है, टीवी पे देखा है, जितना मैंने सुना है, इट्स इम्प्रूविंग दैट. कश्मीर में जो हालात है वो अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ कश्मीर से. वहाँ पे हमने हैदर की शूटिंग की, और डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता कि आपकी कंट्री का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो इट्स गॉन थ्रू सच अ डिस्ट्रक्टिव टाइम. तो अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड न्यूज़. मुझे ये जो होता है ना, एक के साथ एक फ्री, एक आप ये ऑफ़र लो और आपको तीन चीज़ें फ्री में मिलती, मुझे फ्रीबीज़ जो कहते हैं, फ्रीबीज़
बहुत पसंद है और जब भी कोई ब्रांड के साथ आप एसोसिएट करते हो, आप कोई ब्रांड के नए एम्बेसडर बन जाते हो, तो घर पे एक क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर मिल जाता है, कभी कभार इमीडिएटली मिल जाता है जैसे आज। तो डेफिनेटली फ्री चीज़ें जो है, फ्रीबीज जो है, जो सुपरमार्केट में भी मिलती है, ऑफर में भी मिलती है, तो मुझे फ्रीबीज इतनी पसंद है, तो मुझे इतनी खुश हो जाती हूँ मैं कि मुझे कुछ फ्री मिला। ओके गाइस।